मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करने वाली है और इससे पहले कैबिनेट मंत्री मर्ती देवी ने कहा कि उन्हें जो भी विभाग मिलेगा वे अच्छा काम करेंगी। उन्होंने कहा कि काम करने की शैली अच्छी होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार में महिला बाल विकास मिला था और मैंने अच्छे से विभाग चलाया। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल 2 को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कब विभागों का बंटवारा होगा। 9 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया था, ऐसे में कांग्रेस सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है कि रविवार को मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो जाएगा। आखिर कौन सा विभाग किसको मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारे साथ में इमरती जी हैं, पूर्व में ये महिला बाल विकास मंत्री थी, अब कौन सा विभाग आने वाला है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैंने आप लोगों के बीच में कहा है कि विभाग की बात तो विभाग होता है, लेकिन काम करने की बात अलग होती है। मतलब हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी, सारे मंत्री, सबसे छोटा विभाग मानते हैं उसे मुझे दे दे, मैं उसमें भी काम करके दिखाऊंगी। तो आपने देखा था महिला बाल विकास में भी तो कंडा भरे थे, भूस भरे थे, इतने सारे कुपोषित बच्चे थे, उसको मैंने भी सुधार लिया था। जौन सा ऐसा ही बिगड़ा विभाग हो वो मुझे दे दे, मैं चला लूंगी। जिसको जौन देंगे उसमें खुश रहना चाहिए, काम करना चाहिए। दूसरा सवाल ये कि आज जयभान सिंह पवैया जी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि सिंधिया समर्थक जितने भी मंत्री बने सिर्फ छतरी जा रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पे भी 2 फूल चढ़ाने आना चाहिए। नहीं, वो पवैया जी ने कहा है, मैंने सुना नहीं, अब मैं आपको कैसे जवाब दे दूं? देख सकते हैं ये इमरती देवी जी थी, और जैसा कि इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में जौन सा विभाग सबसे कमजोर हो वो देते हैं, वो उसको इस तरह कैसे आगे बढ़ाएंगे जैसा उन्होंने महिला बाल विकास को आगे बढ़ाया और उसको भी चमकाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।